दोस्तों आज इजिप्ट ने भारत से भारत का वो हथियार मांगा है जो भारतीय सेनाओं का फ्रंटलाइनर हथियार होने वाला है। दरअसल 24 जून को पीएम मोदी इजिप्ट की यात्रा पर जाने वाले हैं और इसी यात्रा के दौरान भारत और इजिप्ट के बीच कई बड़ी डिफेंस डील भी साइन की जाएंगी, क्योंकि भारत की तरफ से ऑलरेडी इजिप्ट को अपना आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम और 100 वेपन ऑफर किया गया था और इजिप्ट भारत के इन दोनों ही हथियार को लेने में इंटरेस्टेड हो रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान ये डील फाइनल कर ली जाएगी। लेकिन आज इजिप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि हम भारत से भारत की प्रले टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी लेना चाहते हैं, लेकिन इजिप्ट की तरफ से एक शर्त ये भी रखी गई है कि हम भारत से इस मिसाइल को लेने के लिए तो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन भारत अपनी इस बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमें भी दे ताकि हम इस मिसाइल को अपने देश के अंदर ही बना सकें। साथ में आपको ये भी बता दें कि जो भारत की प्रले टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है ये आने वाले समय में भारत की रॉकेट फोर्स की रीढ़ की हड्डी होने वाली है, क्योंकि भारत इस मिसाइल को भारी संख्या में अपनी रॉकेट फोर्स के लिए खरीदने वाला है, जिसके लिए भारत की तरफ से कई ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। ये मिसाइल इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि ये मिसाइल अपने साथ में कई अलग अलग प्रकार के वॉरहेड को ले जा सकती है, जैसे ये मिसाइल अपने साथ में क्लस्टर, थर्मोबैरिक, फ्रिगमेंटेशन और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। साथ में आपको ये भी बता दें कि फिलहाल इजिप्ट वो देश है जिसने पाकिस्तान के कहने पर भारत की G20 समिट का बायकॉट किया था, और अब आप खुद ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमें इजिप्ट जैसे देशों को अपनी सबसे खास बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।